और यहाँ पे देख सकते हो ब्रदर उसको उठा के पानी में ले जाया जा रहा है, ये देख सकते हो आप, ये देखो पानी में गया ले गया। अब इस पे जो देख सकते हो वो जो जैकेट पहन रखे ना वो टिकट ले रखा है, अब उस पर बैठेंगे फिर उसको 10 मिनट का राइड रहता है, उसको समंदर में 1 किलोमीटर तक उसको घुमाएंगे, राइड करके दिखाएंगे उसको। कैसे दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के साथ में, और मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में। अब रोज ही वीडियो आएगा ब्रदर, क्योंकि मैं गाँव गया हुआ था और गाँव में एक्चुअली कुछ काम से गया था, वहाँ पे कुछ अच्छे कंटेंट भी नहीं थे, क्या मैं आपको दिखाऊँ। तो अब मैं फिर से आ चुका हूँ आपको दिखाने, तो मैं जूहू चौपाटी आ चुका हूँ। अब मैं आपको आज दिखाता हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा समंदर का है, अब मैं आपको थोड़ा सा समंदर का, इधर देख सकते हो आप समंदर का शहर, आज मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ और समंदर में खुद भी घूम के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इतना वीडियो मैंने शूट किया था लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले मैं प्राइस पूछता हूँ कि प्राइस कितने का है, टिकट कितने का है, और उसके बाद हम जाते हैं सामने लगा हुआ वो भी मैं आपको, ठीक है। हाल में आज मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड भी लगा हुआ है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 200, वहाँ पे 200 आपको देख सकते हो, यहाँ पे सबका प्राइस भी लिखा हुआ है। अभी देख सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सामने है ना, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, तो हमेशा यहाँ पे फ्लाइट आते जाते रहते हैं। सामने वहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बड़ा सा LED स्क्रीन लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा सारा TV बोलते हैं, ये देख सकते हैं उस पर वीडियो चल रहा है पानी के अंदर, आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे एडवर्टाइज चलते रहते हैं, कंपनी जो है ना अपने कंपनी का प्रमोशन करने के लिए ये लोग एड यहाँ पे चलाते हैं, देख सकते हैं आप सामने दिख रहे हैं। और ये देख सकते हो आप जुहू चौपाटी का नज़ारा ब्रदर, बहुत दिन के बाद मैं भी आया हूँ, एक्चुअली 2 महीने हो गए, 2-3 महीने के बाद मैं आया हूँ, एक्चुअली 2-3 महीने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो सब जो भी घूमने के लिए जाते हैं उसको लाइफ जैकेट देते हैं, येलो कलर का दिख रहा है आपको, वो एक लाइफ जैकेट है जो आपको सेफ्टी के लिए पहनना पड़ता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देख सकते हो सेम ऐसे ही मैं अभी आपको अभी पानी के अंदर जाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ब्रदर, वो देख सकते हो जा रहे हैं, सेम ऐसे ही मैं भी घूमूंगा, क्योंकि मैं भी कभी राइड नहीं किया, यहाँ पे बोट राइड किया नहीं है मुंबई में, वो भी समंदर के अंदर कभी गया नहीं हो, तो मैं भी चाहता हूँ कि घूमूँ फिरूँ। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग बैठ गए हैं, आइए लोग को देख सकते हैं, अभी रेडी हो चुका है, मस्त देख सकते हैं, जैसे लग रहा हो घुड़सवारी करता है वैसे एकदम से बैठा दिया फुल सेफ्टी के साथ में, और ये देख सकते हैं पानी में लिया जा रहा है इसको घुमाने के लिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा तो मैं आपको नहीं दिखा पाया अंदर का नज़ारा समंदर का, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि वो पहले ही वो सेफ्टी के लिए वो बोला ये सब चीज़ें आप ले नहीं जा सकते, क्योंकि मोबाइल है ना पानी में गिर सकता है, और कितने के बंदे का मोबाइल गिर भी चुका है, तो इसलिए बोला आप मोबाइल बाहर में रखिए, हम आपको फ़ोटो खींच देंगे, लेकिन आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि पानी गीला भी हो सकता है, अभी गीला हो गए मोबाइल भी ख़राब हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लिप मैंने दिखाया, और बहुत अच्छा लगा राइड करने में, ऐसे आप आ सकते हो घूम सकते हो और एंजॉय एंटरटेनमेंट कर सकते हो। पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो, यह है जुहू चौपाटी, यह है मुंबई नगरिया मेरी जान, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे शहर है, क्योंकि यहाँ पे जिसका लाइफ सेट हो गया ना उसकी ज़िंदगी बन जाता है, बनता भी है जो मेहनत करता है ना यहाँ पे, तो ये शहर है ना उसको कभी खाली जाने नहीं देता है, यहाँ से कुछ ना कुछ वो लेके ही जाता है, कुछ सीख के जाता है, कुछ बहुत बड़े आदमी बन जाता है ब्रदर, लेकिन यहाँ पे मेहनत मांगता है, तो मेहनत जो करता है वो हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। ये सपनों का नगर वैसे नहीं है, मुंबई मेरी जान देख सकते हो, बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत ज़्यादा सुकून, और बहुत जिसकी लाइफ सेट हो जाता है ना ब्रदर वो खुश रहता है हमेशा, ये बात तो पक्का है, जिसको थोड़ा सा अच्छा जॉब मिल गया अच्छा काम मिल गया वो हमेशा खुश रहता है, ये बात 100% सही है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उसका यूट्यूब फैमिली बढ़े उनका फैमिली बढ़े, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।